chummy is full to asking. Oh my god, what a six more runs. Pakistan win the match. India dismiss Pakistan and World Cup T20 match win and pull match. जो इनकी हालत है वो ये चीख चीख कर बता रही है कि मेरा कसूर ये है कि मैं ज़माना साज नहीं, मेरा कसूर ये है कि मैं एक सादा आदमी हूँ। और ये बात बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मेरे वतन का, मेरे पाकिस्तान का एक टैलेंट। हम मिर्चें घोल के भी खा लेते हैं, अगर हमारे घर आटा नहीं होता एक टाइम भूखे भी सो जाते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ उमर चीमा। इस वक्त मेरे साथ जाहिद इकबाल मौजूद है, जिनकी ज़िंदगी का सफ़र एक रूढ़ी से उठा और एक रूढ़ी से शुरू हुआ। ये पत्थर तोड़ा करते थे, जिस वक्त इनके पास एक यूट्यूबर पहुँचा और उन्होंने ये एक्सप्लोर किया कि ये बहुत सारी फरावानी के साथ और फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, और इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्रिकेट की कमेंट्री कर सकते हैं, जबकि ये इंग्लिश पढ़े हुए नहीं थे बेसिकली। और फिर उस स्टोरी के बाद, उस वीडियो के बाद, इनके साथ मुतअद्दिद यूट्यूबर्स ने राबता किया, उन्होंने इन पर स्टोरीज़ बनाई, इनकी स्टोरीज़ वायरल होती चली गई, इतनी वायरल हुई कि ये खान साहब यानी जो लाला हैं शाहिद अफरीदी, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, बेशुमार मारूफ क्रिकेटर्स के साथ इनकी मुलाकात हुई, कश्मीर के अंदर क्रिकेट का एक मेला लगा, वहां पर इन्होंने कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बेशुमार यूट्यूबर्स इनको ले लेकर फिरते रहे, इनके साथ मुख्तलिफ एक सीरीज उन्होंने की और इतने वायरल हुए वो यूट्यूबर जो हैं उनका सिलसिला चल निकला रोजगार का। लेकिन आज ये मेरे साथ एक इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद हैं। इन्होंने जो कमीज़ पहन रखा है, जो शलवार कमीज़ पहन रखा है, इन्होंने जो गले के अंदर ये रुमाल पहना हुआ है, जो इनकी हालत है वो ये चीख चीख कर बता रही है कि मेरा कसूर ये है कि मैं ज़माना साज नहीं, मेरा कसूर ये है कि मैं एक सादा आदमी हूँ। ये इस वक्त एक ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उस इदारे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहरहाल उस इदारे के अंदर सफाई का काम करते हैं। और ये बात बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मेरे वतन का, मेरे पाकिस्तान का एक टैलेंट इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, और शदीद तरीन ज़बूहाली का शिकार है। हम इनसे ज़रा बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों ने इनके साथ प्रोग्राम्स किए, कैसे कैसे वादे किए, कैसे कैसे सब्ज़ बाग दिखाए, और अल्टीमेटली आज ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद। वालेकुम सलाम सर। सर सबसे पहले तो आपको सलाम है, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान का टैलेंट हैं, और अगरचे आप यहाँ पर इर्द गिर्द काम करते हैं लेकिन आप दिलों में बसते हैं। हम ज़रा आगाज़ करना चाहेंगे कि कमेंट्री से आपका आगाज़ हो। समझ लीजिए बाबर आजम ने इंडिया के ख़िलाफ़ एक छक्का लगा दिया है, और यहाँ से आगाज़ करें। Yeah, King Babar Azam, Pakistan, great batsman, just a great a talent and Pakistani captain with a Virat Kohli talent, is a good match in Pakistan and Virat Kohli Indian and World Cup to Dubai and Pakistan and King Babar Azam good bat to him. We have the bowling to Muhammad Shami. Shami is full to asking. Oh my god, what a six more runs. Pakistan win the match. India dismiss Pakistan and World Cup T20 match win and pull match. माशाल्लाह से, यानी जिस तरह से वो कमेंटेटर्स करते हैं कि जिस वक्त कुछ छक्का लगता है, कोई बॉल लगती है, लोगों के दिल धड़क रहे होते हैं, सांसें रुक रही होती हैं, कलेजे मुंह को आ रहे होते हैं, और उस वक्त जो एक आलम होता है, एक आम आदमी की जो एक फीलिंग होती है, उसके साथ कमेंटेटर की आवाज़ उठती है, बैठती है, रुकती है, झटके खाती है, बल खाती है, वो सब काम ये अपनी आवाज़ के अंदर करते हैं। और मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, इन्होंने MBA इंग्लिश नहीं किया हुआ, इन्होंने इंग्लिश के अंदर कोई कोर्स नहीं किया हुआ, महारत नहीं की हुई, कोई वर्कशॉप्स अटेंड नहीं की हुई, ये एक रूढ़ी का काम किया करते थे, ईंटें तोड़ा करते थे, एक मजदूरी किया करते थे, और वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ और इस वक्त यहाँ तक पहुँच गया। ये बात दोहराने का मकसद यह है कि याद रहे कि ये पाकिस्तान का सितारा है, जिसके साथ इस वक्त मैं यहाँ पर बैठ कर इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं जिस वक्त यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम चलते हैं, और वहाँ पर झाड़ू के तरीके से जिस तरह लोग आते हैं और इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उस तरह से इंटरव्यू करूं जिस तरह से बाकी सब दोस्तों ने इनका इंटरव्यू किया। बताइएगा कि कौन कौन लोग अब तक आ चुके, वादे, यकीन दहानियां, बड़े बड़े ख्वाब बाग दिखाए आपको, सब्ज बाग दिखाए, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान में हैं ना, तो पाकिस्तान जो बेहतर चीज़ है, इतनी महंगाई हो गई है, अब तीन बेटे हैं और वालद भी बीमार है, वालदा तो माह रमज़ान में फौत हो गई थी,
कोई भी नहीं हेल्प करता इस दौर में कोई भी। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन बंदे ऐसे हैं जो मुश्किल हालात में मेरा साथ देते हैं। एक इंग्लैंड में है साजिद साहब, वो बहुत अच्छे हैं। साजिद साहब का शुक्र गुज़ार हूँ कि वो फैमिली मेंबर जैसा मेरे साथ सलूक करते हैं और अल्लाह ताला उनको हो तरक्की दे, बहुत अच्छे। एक अकबर साहब हैं और उनकी उम्र होगी तकरीबन 65 यानी कि 65 साल के हैं, बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत मेरी हेल्प करते हैं। तो वो कह रहे हैं इतने मुश्किल हालात पाकिस्तान में अब हो गए हैं कि घी 600 रुपये किलो है, तो बड़े परेशान हैं। 15,000 में से खाना भी आपने खाना है, फिर घर का चूल्हा भी चलाना है, बहुत मुश्किल है इस दौर में। अगर आप एक सुपरस्टार जो बन जाता है, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह होता है, मगर बाद में आपको अनवाइट नहीं करते, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो ना फ़ोन टैन नहीं करते। जैसे आपको टीवी में ये लगता है कि माशाल्लाह ये बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छे हैं, मगर अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। कोई 100 में से अच्छे लोग भी हैं, मगर इनको चाहिए कि गरीबों की सपोर्ट किया करें। अल्लाह ताला आपके मुश्किल हालात जो हैं गरीबों के वो हल हो जाएं। तो आप शादीशुदा हैं? जी, मेरे 3 बेटे हैं। ठीक है, तो वो बेटे क्या करते हैं, किस उम्र में? सर एक 9 साल का है, वो स्कूल तो जाता है तो पहली क्लास में पढ़ता है, और दूसरा जो है वो 12 पढ़ने जाता है, अभी छोटा है, तो तीसरा अभी 2 साल का है सर। तो 20-25 हज़ार रुपया में से आप घर कितना भिजवाते हैं? सर जी 20-25 हज़ार से तो कुछ भी नहीं बनता, आज 600 रुपया घी है, तो ये अल्लाह निज़ाम चला रहा है सभी का। तो गरीब तो हम मर्चें घोल के भी खा लेते हैं, अगर हमारे घर आटा नहीं होता एक टाइम भूखे भी सो जाते हैं सर। ये खातिन हजरात, मैं मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है आप सच पूछें कि मैं इनकी स्टोरी मज़ीद इससे आगे लेके चल सकूं। मैं बस ये कहूँगा कि इनका नंबर इनसे पूछते हैं और अगर ये इजाज़त देते हैं तो इनका नंबर स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप सब इनसे रब्ता कीजिए और इन्हें तंग करने की गर्ज़ से नहीं, इनका मजाक उड़ाने की गर्ज़ से नहीं, इनके सादापन को अपनी मजाक और अपनी तफरीक का बायस बनाने के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर कीजिएगा। जाहिद भाई अपना नंबर अगर आप बताना चाहें तो। सर ये वो बार बार वो कह रहे हैं, कहेंगे कि ये मांगने की इसकी आदत बन चुकी है, आप दे दें, मगर ये देखें आप अगर हकीकत में आप देखेंगे घर में हालात बहुत बुरे हैं। ये तो एक ऑफिस है उन पे हम बैठे हुए हैं, घर जो है मिट्टी का है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन मिट्टी में जाना है। तो ये हालात घर की बात नहीं है, ये खाने पीने की जा, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गर्मी से अब इतनी बत्ती जा रही है और महंगाई है। और तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0310-65-42-587 जी। ख़वातीन हज़रात इस नंबर पर रابطہ कीजिए और मैं ये यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कहूँगा करूँगा कि इनको सदक़ात और ज़कात आप अपने भिजवा सकते हैं, इनको आप अतियात, इनको आप तोहफ़े तहाइफ़, पाकिस्तान का स्टार समझते हुए, पाकिस्तान का एजाज़ समझते हुए, पाकिस्तान का मान समझते हुए आप इनको भिजवाइए और एक सलाम पेश कीजिए ऐसी शख्सियत को जो कि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया कर सकते हैं, इतना टैलेंट अपने अंदर रखते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला इनकी सादगी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।